अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 100। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सेकंड फ्लोर किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और सेकंड फ्लोर को किस तरह लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बेसिकली सेकंड फ्लोर बनाया हुआ है अपने ऑटो कैड में। ये मैंने सेकंड फ्लोर बनाया। सेकंड फ्लोर में मैंने इस तरह किया कि यहाँ से कुछ एरिया काट के मैंने वो बनाया और फ्रंट एरिया बिल्कुल वैसे का वैसे ही। आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही मैंने यहाँ पे लगाया। तो ये हमारे पास सेकंड। अच्छा, सेकंड फ्लोर में अगर लगाना चाहता हूँ तो सेकंड फ्लोर लगाने से पहले मैं यहाँ पे इसे इसकी मैं यहाँ पे एक छत डिज़ाइन करता हूँ। तो बेसिकली इसका भी तरीकाकार वही है, हमने किस तरीके से डिज़ाइन करनी है वो आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ से रेक्टेंगल लेना है, आर ई सी एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रेक्टेंगल लेना है। एम एंटर, मूव करें इसको, मूव किया मैंने। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, सॉरी आप इसे ऑफसेट दें, ओ एंटर, ऑफसेट दे दें 6 इंच का। ई एक्स टी एक्सट्रूड करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ जी, चेंज, इसे मूव करें, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस कॉर्नर से उठाएं, और आप यहां से इस कॉर्नर पे से लगा दें। तो ये बड़ी अजीब सी हमारे पास वो लग रही है, तो आप इसे थोड़ा सा आगे निकालना चाहते हैं आप निकाल भी सकते हैं, आप इसे आर्क दे सकते हैं, आपने जो काम यहाँ पे करने हैं आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप हमारे पास एक कमांड है, आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएं, 3D में जाएं, सॉरी सॉलिड एडिटिंग में जाएं, और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है मूव फेसेस। आप देखें यहाँ पर लिखा है मूव फेसेस, इसको आपने सेलेक्ट करना है ऊपर, आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करें राइट क्लिक करें, एंटर, जिस भी फेसेस को आप मूव करना चाह रहे हैं आगे की तरफ, आप यहाँ से उसे आगे की तरफ आप मूव कर सकते हैं। देखें आपका ये फेस क्या हुआ है, आगे की तरफ दोनों साइडों से मूव हो गया है, आप देख सकते हैं आगे की तरफ आपका ये फेस मूव हो गया। उसके बाद आप और भी इस पे काम कर सकते हैं, और भी आपने कोई काम करना है आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ एरिया में लेता हूँ, या मैं यहाँ से इसे 2D वायर फ्रेम करता हूँ, ये जो चीज़ है आर ई सी रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल लिया, एम एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाता हूँ, उठा के इसे आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। एक्सप्लोर करता हूँ इसको, यहाँ से ख़त्म, ओ एंटर, 3 फुट आगे कर लेता हूँ इसे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसे करता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एल इंटर, ओ एंटर, 2 फुट एंटर,
3 फुट ले लेता हूँ। ओ इंटर 3 फिट इंटर, ओके आर ए आर सी इंटर, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट। अच्छा मिडिल पॉइंट हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि एल इंटर करूँ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो एरिया बना हुआ है वो जो लाइन मैंने दिया वो बीच में से टूटी हुई है। आर ए आर सी इंटर सिलेक्ट क्लिक कैंट सेकंड क्लिक, इसको ख़त्म कर दें। बी ओ एंटर, पिक पॉइंट ई एक्स टी एंटर, तो मैंने यहां से एक्सट्रूड से कितने किया था चेंज किया था आई थिंक 6 एस एच ए टी ई 6 एम एंटर लाइक द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, इस पॉइंट से उठाओ एफ एट एफ एट ओके। देखिए यहाँ पे स्टाइल लग गया। अब एक और कमांड हम यहाँ पे एक और कमांड अप्लाई करेंगे, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे किस तरह हमने उस पर अप्लाई करना है, किस तरह काम करना है, तो वो हम थोड़ी बात देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा व्यू एक नज़र आ रहा होगा आपको। इसे मूव करना चाहें तो आप मूव और भी कर सकते हैं, एम एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक ओके, इसी को आप कॉपी कर लें सी पी एंटर सेलेक्ट राइट क्लिक यहां से उठाएं ओके। तो ये हमारे पास अब ठीक है, छत बन गया, छत डिजाइन हो गया। इस पर अब हम कुछ हमने काम करना चाहिए, क्या हम आप यह करेंगे वो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इस पर और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह इस पर और भी काम करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।